हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे चौको लावा के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्योंकि चौको लावा के थे, तो पहले मैं ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। मैं यहाँ पर 3 क्यूब्स चॉकलेट ले रही हूँ। अबे वार्म मिल्क से इसको मेल्ट करूंगी। इसको मैं थोड़ी सी मिलाकर साइड में रख दूंगी चॉकलेट में। तो चलिए अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। पहले मैं सुगर डाल रही हूँ, 1 कप सुगर। आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको मिलाऊंगी अच्छी तरफ से। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरफ से मिलाना पड़ेगा। अब इसको साइड में रखकर हम दूसरे बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं 1 कप मैदा यूज कर रही हूँ। ये मैदा आप यूज करने के पहले आप एक बार छान लीजिए। 1 टेबलस्पून कोका पाउडर, ये भी आप छान लीजिए। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और सेम क्वांटिटी हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिक्सचर अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालूंगी और इससे अच्छी तरह से बैटर बनाऊंगी। मिल्क आपको जितना जरूरत होगा उतना ही आप लीजिए और एक स्मूथ बैटर बनाइए। बैटर में एक क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। पहले हम जो मिक्सचर बनाए थे शुगर और ऑयल से वो लेंगे। अब हम इस बैटर को उस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरफ से इसको मिलाएंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बेकिंग मोल्ड में डालेंगे। मैं यहाँ पर छोटा छोटा स्टील का बेकिंग मोल्ड ले रही हूँ, जिसको मैं ऑयल देकर ग्रीस दिया हूँ। उसके ऊपर मैं मैदा दिया हूँ, इसके वजह से ये केक बैटर नहीं चिपकेगा। तो चलिए इसके अंदर हम हमारा मिक्सचर को डाल देते हैं। Thank you.
मेल्ट किया हुआ था पहले वो डालेगा। अब हम इसको बेक करने देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसके अंदर मैं ऐसा स्टैंड दिया हूँ और मैं उस पैन को 10 मिनट प्रीहीट करके रखा हूँ। आप हमारा केक का बैटर इसके अंदर डाल देंगे। इस स्टैंड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कोई डायरेक्ट फिर इस केक के अंदर लगे। अगर डायरेक्ट फिर लग गया तो केक जल सकता है। तो अब हम इसको 15 मिनट बेक करने देंगे। मैं यहाँ पर बिना होल किया हुआ लीड यूज कर रही हूँ। इसके वजह से क्या होगा, इसका जो स्टीम होगा इसके अंदर ही रहेगा। 15 मिनट हो चुका है, अब मैं इसका लीड ओपन करूंगी। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार।